बेगूसराय में प्रेम प्रसंग मामले में फिर गई एक युवक की जान, घर से बुलाकर कर दी हत्या। ये मामला है बेगूसराय भगवानपुर के टीआई ओपी क्षेत्र की, जहां गुर्जर यादव के पुत्र विकास कुमार उर्फ रुदल को अज्ञात बदमाशों के द्वारा बेरहमी से पीट पीट कर महेशपुर बहियार में फेंक दिया था, जिसका सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कप्तान बेगूसराय के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टेगरा डीएसपी श्री रविंद्र मोहन प्रसाद के नेतृत्व में किया गया टीम गठित किया गया, जिसमें टेगरा थाना क्षेत्र राजीव राल एवं टीआई ओपी अध्यक्ष चंद्रकांत को शामिल किया। छानबीन के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि मृतक विकास कुमार के घर की एक महिला का प्रेम प्रसंग इस कांड से आरोपी के साथ था और विकास कुमार ने कुछ दिन पहले दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसका विरोध करने के बाद मृतक विकास कुमार को 26 तारीख की रात 10 बजे महेशपुर बहियार में ब्रह्म स्थान बुलाकर अन्य बदमाशों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना में शामिल बाकी बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी हो रही है। इन दिनों बदमाशों के पास से एक मोटरसाइकिल और एक मृतक की मोबाइल बरामद हुआ है। एक अपराधी का नाम सुजल महतो 19 वर्षीय, दूसरा का नाम राम जपो महतो है। दोनों भगवानपुर टीआई के रहने वाले। इसी के साथ आप देख रहे हैं फॉब न्यूज, रिपोर्टर नीरज कुमार की रिपोर्ट। इस वीडियो के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर शिवांगी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो आज ही आए सोमाया मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जहां हो स्त्री संबंधित एवं बांझपन का बेहतर इलाज। हमारा पता है डॉक्टर सुशील कुमार क्लिनिक, स्टेशन रोड, बेगूसराय।